हमारी एक झुग्गी थी प्रशांत बिहार एरिए में, पास कॉलोनी थी, वहाँ पर सभी निर्माण मजदूर रहते थे। तो वहाँ पर जो जो कॉलोनी के लोग थे, उन्होंने ये बहिष्कार किया कि ये लोग गंदगी फैलाते हैं, इनको तोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे एक बुलडोज़र आया और बुलडोज़र ने सारे घरों को तोड़ दिया। ये निर्माण मजदूरों की व्यथा है कि निर्माण मजदूरों को कहीं रहने नहीं। हमने ये आवाज़ उठाई थी कि हम अगर दिल्ली में निर्माण मजदूर का काम करते हैं तो हमें दिल्ली में रहने का हक है। BOCW एक्ट ही पहला ऐसा कानून है जो खुद निर्माण मजदूरों ने अपना भला चाहने वाले दूसरे लोगों के साथ मिलके कंसीव किया, उसके लिए 10 साल लंबी कैंपेन की और तब ये कानून बना। 1985 में ही एक नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस वी आर कृष्णेयर की अध्यक्षता में बनाई गई, क्योंकि वहाँ लेबर और जजेस और ट्रेड यूनियंस तीनों किस्म के लोग मिल पाए, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कानून ड्राफ्ट करा। तो ज़रूरी था कि कोई सेंट्रल निकाय होता जो गाइड कर पाता सारी स्टेट्स को कि इस कानून को कैसे इम्प्लीमेंट करें। पास होने के बाद अगले 10 सालों में इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम रहा। 10 स्टेट्स ने नोटिफाई करा, 6 स्टेट ने ही बोर्ड बनाया। तो ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क की हेल्प से हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली और उस पिटीशन का ये नतीजा हुआ कि 2006 से 12 तक अगले 6 सालों में लगभग सारे प्रांतों में और केंद्र शासित प्रदेशों में ट्राइपार्टाइट बोर्ड बन गए। कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें पहले 4 स्पेसिफिक डायरेक्शंस कोर्ट ने दी कि एक तो स्ट्रेंथन किया जाए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट और मजदूरों का दोनों का रजिस्ट्रेशन शामिल है। दूसरा, उनका कहना था कि सेस कलेक्शन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि हमें स्पष्ट दिख रहा है कि 20% से ज़्यादा सेस नहीं इकट्ठा हो रहा, तो सारा ही सेस इकट्ठा होगा तभी सोशल सिक्योरिटी मिल सकेगी। तीसरा, उन्हें समझ में आया कि ज़्यादातर स्टेट ने बहुत अनाप शनाप स्कीमें बना ली थी और बहुत अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे, जो जिस पर्पज़ के लिए ये कानून बनाया था उस पर्पज़ पे कम से कम खर्चा हो रहा था। इसलिए कोर्ट ने तय किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक मॉडल वेलफेयर स्कीम बनाए जो पूरे देश में पोर्टेबल हो, यूनिफॉर्म हो और पूरे देश में लागू हो, मतलब वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन भी पोर्टेबल हो, स्कीम की डिलीवरी भी पोर्टेबल हो, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने वाले मजदूरों को अगर उनके बच्चे अपने प्रांत में ही पढ़ रहे हैं तो अभी शिक्षा सहायता मिल सके, मेडिकल सहायता मिल सके इत्यादि। तो अपने आप में एक अलग तरह का कानून था, अलग तरह का फैसला है कि इस कानून को कैसे इम्प्लीमेंट करा जाए। चौथा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं रह गया कहने से, कि जो मनरेगा में या राइट टू फूड की कैंपेन के द्वारा या कुछ कानूनों में एक नया रास्ता निकला है सोशल ऑडिट का, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने चौथे ऑर्डर की तरह रिकमेंड किया है, जो स्पेसिफिक डायरेक्शन कि पूरे देश में सारी स्टेट्स एक सोशल ऑडिट की व्यवस्था शुरू करें ताकि उस पैसों का ठीक से उपयोग हो सके। इसके लिए हम दिल्ली में और राजस्थान में एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दिल्ली में जो पायलट प्रोजेक्ट है ये हमारी संस्था के द्वारा हो रहा है और इसमें दूसरे संस्थाएं जो निर्माण मजदूरों के साथ काम करते हैं वो भी इसके साथ जुड़े होंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 दिनों की ट्रेनिंग करेंगे। डोर टू डोर वेरिफिकेशन है, बेनिफिशरीज के साथ मिलना है, इसमें जो कंस्ट्रक्शन साइट्स में, लेबर अड्डाज में हम जा के हम पता करेंगे कि कैसे बेनिफिशरीज हैं और इनको थोड़ा अवेयरनेस भी इनके बारे में पता होगा और बोर्ड के द्वारा जो जो बेनिफिट्स, जो जो लाभ दिए गए हैं लोगों को मिले हैं या नहीं, या मिलने में इनको देरी हुई या नहीं, वो सब चीज़ें जो है सामने आ जाएगी। इसको करने के बाद
24 तारीख को हम एक जन सुनवाई भी रखेंगे। इस जन सुनवाई में बोर्ड के मेंबर्स, दिल्ली गवर्नमेंट के जो लेबर ऑफिशियल्स हैं वो भी, और जो जनता है, जो निर्माण मजदूर लोग हैं वो भी अपने आएंगे इस जन सुनवाई में, और इसके बारे में जो है डायरेक्टली प्रश्न पूछेंगे। इस जन सुनवाई के बाद सामाजिक अंकेक्षण की एक डिटेल रिपोर्ट बनती है। ये रिपोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है बोर्ड के फंक्शनिंग में जो सुधार लाना है इसके जो वेरियस पैरामीटर्स तय करेंगी और इस पे जो सुधार लाना है वो सुधारेंगी। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट जो है हम इस नज़रिए से देख रहे हैं कि जो हमारा जो सामाजिक अंकेक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला एक ढांचा तैयार करने के लिए, हम इस ढांचे को थोड़ा सा रिफाइन करना चाहते हैं। हम चेक करना चाहते हैं कि जो हमने ढांचा बनाया है वो सही है या इसको थोड़ा सा हम बेहतर कर सकते हैं। तो ये पायलट प्रोजेक्ट हमारे को उस दिशा में मदद करेगा।